देखिए, जो स्विस बैंक हम वर्ड यूज करते हैं, ये कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सारे बैंक्स को स्विस बैंक बोला जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हुए। ईयर 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल्स नहीं शेयर करेगा, और यहीं से शुरू होता है स्विस बैंक्स के अंदर एक सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर, जो आज की डेट में स्विस बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। इस रूल के बाद स्विट्जरलैंड के अंदर जो बाहर से पैसे का फ्लो आ रहा था, वो इनकी गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा। इसके बाद 1934 में फिर से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट को या फिर टैक्स एजेंसी को शेयर करता है, तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। फिर चाहे वो डिटेल्स किसी क्रिमिनल की क्यों ना, कोई भी अगर इसको वायलेट करता है तो उसको 5 साल तक की सजा होगी। ये जो लॉ बनाया गया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्ट बैंकिंग लॉ उस टाइम पे भी था और अभी भी है।